एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, कहता है एबीसी लिमिटेड इनवॉइस गुड्स ब्रांच को करता है वेस्ट बंगाल है, द ब्रांच सेल गुड्स क्रेडिट एज वेल एज कैश फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू द कोलकाता ब्रांच, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच। यही हम निकालना सीखते हैं। कहता है गुड्स रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड हेड ऑफिस है तो गुड्स सेंड भी बोल सकते हैं और गुड्स रिसीव भी बोल सकते हैं, तो बात वही आ गई। गुड्स रिटर्न टू एबीसी लिमिटेड, तो रिटर्न एचओ है, कैश सेल्स दे रखा है, क्रेडिट सेल्स दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है अलाउंसेस टू कस्टमर, और अलाउंसेस टू कस्टमर मैंने आपको बताया था अलाउंसेस किसको बोलते हैं, याद है कुछ? मैंने बोला था डिस्काउंट को हम अलाउंसेस के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे आ गया अलाउंसेस टू कस्टमर, तो एक तरीके से डेटर को डिस्काउंट है। जनरल एक्सपेंस चार्जेस है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यानी सेल्स रिटर्न है सर ये, सेल्स रिटर्न है सर ये। इसके बाद बैड डेट्स दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है, यानी ये भी अलाउंसेस में जाएगा और ये भी जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर वहीं जाएगा। रेंट रेट टैक्सेस ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस किसका दे रखा है, स्टॉक का, और क्लोजिंग दे रखा है वो भी स्टॉक का ही है, यानी डेटर का आपका बैलेंस दे रखा है या नहीं दे रखा है? सर नहीं दे रखा, तो आपको बनाना पड़ेगा डेटर अकाउंट। क्या ये सवाल आपसे हो जाएगा? तो मैं इससे एक एडवांस क्वेश्चन कराऊँ आपको, एक बार देख लीजिए, ये सवाल हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो इसके एडवांस लेके चलूंगा। सर फुल क्वेश्चन, हाँ अभी अगला थर्ड करूंगा ना, जिसमें सारे अकाउंट बन जाएंगे, एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनेंगे। हो जाएगा ये? हाँ जी, जो इतने बच्चे लाइव में हैं फटाफट बता दें, हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा, क्लियर। अगले सवाल पे चले, इसमें कुछ नहीं करना है, फिल करना है, एक डेटर अकाउंट भी बनाना है। जो नए नए नाम थे वो मैंने आपको समझा दिए कहाँ कौन से पॉइंट्स जाने वाला है। चलिए, एक ऐसा सवाल है ये जिसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, और ये लास्ट सवाल है आपका सिंपल वाला। देख रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के आगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जब दे देता है तो हमारी टेंशन थोड़ी सी खत्म हो जाती है, लेकिन अब क्लोजिंग बैलेंस इनका है ही नहीं आपके पास, तो आपको कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस बनाने के लिए या तो सीधा माइनस करके पता कर सकते हैं, और अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुआ तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, बड़ी सीधी सी बात है, अकाउंट बना लेंगे। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके किताब का, एक बना लेते हैं ब्रांच अकाउंट। ठीक है सर, बाकी के कुछ अकाउंट ना, देखो एक डेटर अकाउंट में हो सकता है मैं यहीं बना दूं, जगह दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो दिखाना है ना आपको, और जो होगा छोटा छोटा मैं रफली अकाउंट बनाऊंगा, आइडिया मिल जाएगा। वैसे एक डेटर ही बनना है और कोई बनना नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं क्या होता है, नहीं तो अगला पेज इस्तेमाल कर लेंगे और क्या। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लखनऊ ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द मुंबई ऑफिस, ऑल एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच एज पर एग्रीमेंट ऑफ हेड ऑफिस। ये क्या बोल दिया इसने कि जितने भी खर्चे हैं वो कौन पे करेगा, ब्रांच। देखिए पहले क्या था, सारे खर्चे कौन पेड कर रहा था, अब सारे खर्चे कौन करेगा। अब मान लो मेरे पास 5 लाख की सेल आए और दिन का खर्चा हो गया 25,000, तो मैं 5 लाख में से पहले 25,000 घटाऊंगा और बाकी पैसे मैं कहाँ करूंगा, रेमिटेंस में करूंगा। समझ रहे हो बात को? अगर हेड ऑफिस देता तो क्या करता, 5 लाख का सेल होता, मैं बोलता ले भैया हेड ऑफिस पूरे 5 लाख रुपए और खर्चे के पैसे दे, और मैं कहाँ लिख देता, डेबिट में। बताया था ये पॉइंट मैंने। चलिए सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक आपका दे रखा है 378, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे टू ओपनिंग बैलेंस। यहां पे स्टॉक है सर कितने का है, 378। आराम से करेंगे इस क्वेश्चन से, मान के चलो पूरा पार्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है एक तरीके से। डेटर कितने का, 135,500।
इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर कितने का? 45। इसके बाद देखा जाए तो ब्रांच बैंक कितने रुपए? 9,650। ये तो मैं सिर्फ देखो सिंपल कर रहा हूं। चलिए आगे कहता है, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, यानी हमें सर सामान बेचने के लिए सामान मिल गया है, तो मैं क्या लिखूंगा? टू गुड्स, गुड्स क्या लिखें? सेंट। कितने का? 7 लाख। भैया ये पहले एक बात समझो, क्योंकि ये गुड्स सेंट यहाँ क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये अकाउंट किसका बन रहा है? ब्रांच का, लेकिन बना कौन रहा है? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस तो भैया सामान भेज ही रहा है, इसलिए वो गुड्स सेंट लिखता है यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, गुड्स सेंट के बाद आगे फटाफट देखें, गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच के बाद कहता है गुड्स रिटर्न टू एचओ बाय ब्रांच। तो कोई बात नहीं सर, रिटर्न कर दिया तो किधर आ जाएगा? बाय रिटर्न 15,000। इसके बाद आगे देखें तो कहता है कैश सेल्स पेड इन टू बैंक। बोलता है कैश सेल्स किया और हम एचओ को नहीं दे रहे हैं, पहले हम बैंक में जमा कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब सर बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो एक मिनी बैंक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, मैं बहुत रफली यूज कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए बैंक अकाउंट कैसे बनता है। एसेट से बताया था, इस साइड से बढ़ जाएगा और इस साइड से घट जाएगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है सर? 9650। और इधर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी, ठीक है ना? जब सीडी जैसे जैसे आएगा, कहा कि भैया सेल किया और मैं नहीं दे रहा हेड ऑफिस को, तो कहाँ दोगे भैया? हेड ऑफिस को नहीं दोगे तो? उसने बोला कि बैंक में जमा करेंगे, कोई बात नहीं। सेल्स का पैसा कितना आया? 1 लाख बस, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? आगे कहता है क्रेडिट सेल्स, तो भैया ये तो डेटर की बात कर रहा है, डेटर भी नहीं निकालना ही पड़ेगा, तो डेटर भी अकाउंट बना ही लो। तो डेटर अकाउंट के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा बन जाता है ना, तो देखो कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना आपको? मुझे सिर्फ मेरी मजबूरी है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा पाऊँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो जगह तो है, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा बट। अरे क्वेश्चन ही हट रहा है तो। चलिए डेटर का, सबसे पहले डेटर का ओपनिंग बैलेंस है वो तो लिख ही लेते हैं। टू बैलेंस बीडी कितने रुपए हैं? ओपनिंग 1,35,500, ठीक है? अब कहता है कि क्या कह रहा था जो मैंने यहां लिखा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स यहां आएगा। कितने का कर दिया क्रेडिट सेल्स? 8,25,000 क्रेडिट सेल्स। आगे कहता है रिटर्न, सेल्स रिटर्न बाय सेलिंग प्राइस, तो सेल्स रिटर्न कौन करता है? डेटर करता है भाई, बाय रिटर्न कितने रुपए का? इस रिटर्न में और इस रिटर्न में डिफरेंस पता है ना, ये ग्राहक कर रहा है और ये ब्रांच ही हेड ऑफिस को कर दे रहा है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना? चलिए सर ये भी हो गया। इसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिला तो बाय बैंक यहां पे आ जाएगा। कितना पैसा मिला? 8,45,000। और सर ये पैसा मैं हेड ऑफिस को नहीं दूंगा, मैं अपने पास जमा करूंगा, तो यहां पे डेटर आ जाएगा और 8 लाख समझ में आ रहा है, ठीक है ना? चलिए सर आगे देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड, वो कौन बताएगा कहाँ जाएगा डिस्काउंट अलाउड? डेटर अकाउंट में, बाय डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितने का है? 7,800। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कहाँ गया? अच्छा सही है, कहाँ जाएगा? डेटर में जाएगा। बैड डेट्स कितने रुपए? 1,500। एग्रीड अमाउंट ट्रांसफर टू
फ्रॉम ब्रांच अकाउंट 8,95,000। कहता है भैया एक साथ हमने पैसा हेड ऑफिस को दे ही दिया। कितना पैसा दिया है हेड ऑफिस को? शब्दों पे जाइए, कहता है एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट का मतलब टोटल अमाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच बैंक, यानी ब्रांच बैंक से ट्रांसफर कहाँ हुआ होगा? हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस में से जब भी पैसा आएगा यहां लिखेंगे बाय रेमिटेंस। और कितना आया सर बैंक से? 8,95,000। अब एक बात बताइए, क्या मेरा बैंक अकाउंट खाली नहीं हुआ होगा? जब भेजा मैंने हेड ऑफिस तो बैंक अकाउंट खाली हुआ होगा, तो बैंक में किधर जाएगा? बाय एचओ। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? अभी तो खर्चा डालेंगे, अभी रुक, अभी कहाँ खत्म, बंद कहाँ गया मैंने? अभी तो चल रहा है बीच में, यहां तक सही चल रहा है। आगे चलिए, देखिए बुक के अंदर बड़े सारे अकाउंट बनाते हैं तो बुक के सॉल्यूशन पे नहीं जाते, हमें जितना समझ में आता है उतना हम करते हैं और वो सारा सही रहता है, ऐसा नहीं कि गलत होगा, ठीक है। बुक के अंदर वो छोटे 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 पॉइंट्स के भी अकाउंट बना लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम जितना डिटेलिंग में बच्चों को बताएं वो ठीक है, और बुक वाले मानते हैं कि बच्चे सब सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं जो अकाउंट आपको दिख जाएगा, बुक में बहुत सारे अकाउंट दिखेंगे तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी नहीं बोला हुआ कि आप ये अकाउंट बनाओ, ये अकाउंट बनाओ, ये अकाउंट बनाओ, ये अकाउंट बनाओ, नहीं बोला। तो हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही बनाएंगे। चलिए सर आगे, कहता है बैंक अकाउंट ये तो हो ही गया, कहता है रेंट एंड रेट 56,000। मजे की बात है, सारे खर्चे कौन करेगा? ब्रांच। तो भैया ब्रांच का बैंक कम होगा, तो इसका मतलब सर रेंट इधर आएगा। कितना रेंट? अब एक बात बताना मुझे, क्या मैं यहां भी रेंट लिख दूं? नहीं, क्योंकि ब्रांच ने जब दे दिया तो पैसे काट के तो भेज रहा है, तो यहां क्यों लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद वेजेस, कोई बात नहीं सर, वेजेस कितने? 45,000, कोई बात नहीं, चलने दो, दिख जाएगा। वेजेस के बाद कहां है जर्नल एक्सपेंस? 45,000 है। अच्छा 7,630, डिलीट करो इसे। बाय जर्नल एक्सपेंस 7,030, मैं इसे हटा दूंगा, साफ दिखेगा, अभी चिंता मत करो। जब मेरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ हो जाएगा तो सवाल को मैं साइड में कर दूंगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन एट हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, हेड ऑफिस कहता है ये खर्चे मैंने किए हैं। कहता है ट्रांजेक्शन एट हेड ऑफिस ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच, कहने का मतलब क्या है? ये खर्चे मैंने किए हैं। और ये कौन बोल रहा है? हेड ऑफिस। तो भाई तू जितने भी हेड ऑफिस खर्चा करेगा मैं सब लिख दूंगा यहां पे, यही है ना कहानी? तो सीखा तो यही है। अब क्या कहता है? गुड्स ट्रांसफर बाय ब्रांच एज पर अबव। तो पता ही है भाई, अगर गुड्स ट्रांसफर की बात चल रही है तो एच हेड ऑफिस ही देगा, और कहीं से तो मांग नहीं सकते हम। आगे कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस को ही किया, तो भैया ये सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। एक वर्ड कहता है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ऊपर जो गिवन है तो कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच यही तो था, लिख तो दिया, अब कितनी बार बताएगा ये। सैलरी ब्रांच स्टाफ, ओ इसका मतलब ये सैलरी वाला खर्चा हेड ऑफिस ने दिया है, तो क्या इसे हम यहां लिखें? तो कहां लिखें? एक्सपेंस में आ जाएगा, टू सैलरी। सबसे बड़ा कैच ये था, 1,52,500। समझ में आई बात आपको? सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन को साइड कर दिया जाए, साइड करें, छोटा कर दें, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर ये भी तो है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। फटाफट टोटल करो, फिर इधर ही कर देंगे। अब देखिए यहां पे हमें क्या चाहिए? बाय क्लोजिंग, और क्लोजिंग किसका चाहिए? एक स्टॉक का चाहिए सर, और किसका चाहिए? डेटर का चाहिए सर, और किसका चाहिए? कंप्यूटर का चाहिए सर, और किसका चाहिए? बैंक का चाहिए सर। सबसे पहले स्टॉक का क्लोजिंग क्या सवाल में दे रखा था? क्या स्टॉक का क्लोजिंग सवाल में दे रखा है? चेक करिए, नहीं दे रखा। ये क्या है?
स्टॉक दे रखा है 270। चलो दोबारा दिखा दें, दे रखा है ना 270। क्या कंप्यूटर का दे रखा है? क्वेश्चन मार्क बोल रहा है भैया, कंप्यूटर पे बता दो क्या करा हमने। कहता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% ऑन कंप्यूटर, तो इसका मतलब सर कंप्यूटर था हमारा 45 का, 20% डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना लगेगा? 9000। तो बचेगा कितना? 45 में से 9 गए तो। किसी को इसमें डाउट? डाउट है तो ये मैंने कर दिया यहां पे, 45000 इंटू 20% दैट इज 9000, और ये माइनस हो गया 45000 से, जो कि बच गया हमारा 36000। यही साथ के साथ मैंने कर भी दिया, समझ में आई? ठीक है, अब कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो आप? चलिए आगे देखते हैं, समझदार को इशारा काफी। अब 152 आ गया। इसके बाद सर यहां पे मुझे बैंक का बैलेंस चाहिए और डेटर का बैलेंस चाहिए। डेटर वहां से निकल सकता है और बैंक? चलिए बैंक करिए फटाफट टोटल। ₹1,56,000, ₹8,55,000, ₹10,00,000, ₹10,00,000, ₹10,50,000। गलत है क्या आएगा फिर? भाई लाइव वाले बच्चे भी बता दो, सैलरी बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आया? समीर सैलरी का जो खर्चा है वो पता है किसने किया? वो ब्रांच ने नहीं किया, हेड ऑफिस ने किया। हेड ऑफिस ने किया तो हेड ऑफिस ने किया इसलिए आया, ठीक है ना? वहां पे हाँ माइनस करिए बाय बैलेंस 7000। अब डेटर में से निकालिए, डेटर में से निकालिए। डेटर का टोटल, मेरा कैलकुलेटर नहीं है। डेटर का टोटल सीडी ये गलत है, 85 वाला हट गया। चलो बताओ, भाई ₹450। एक क्या है, ₹1,02,485 है ना? अब फटाफट से टोटल करके क्या निकाल दो, टू प्रॉफिट खत्म। इससे बड़ा क्वेश्चन इस वाले में नहीं आ सकता, सिंपल वाले में। देखो लास्ट में लिखा है रिवीजन ओनली, बच्चे ज्यादा इसको सीरियस ना ले, सिर्फ रिवीजन करे। तो मैंने तो पूरा ही क्वेश्चन करवा दिया इसमें, तो कुछ था भी नहीं ऐसा। पहले इसका टोटल, पर देख
अंजलि ने बता दिया भाई, दूसरा भी बता दो गौतम और अंजलि। ये 10 82 गलत है। ये हाँ वो तो लगा रहे हैं, इसने जैसे गलत बोला मैं मिटाना चालू कर दिया मैंने। माइनस करिए, हो सकता है ये ज्यादा हो तो लिख तो दिया, इधर का टोटली तो इधर लिखा है। हाँ 270 ही है। चार लाख तो नहीं आएगा भैया, 10 में से 7 लाख तो ऐसे ही माइनस हो गया। चेक करिए, क्या है बुक का आंसर, क्या है चेक करो भाई। 10,10,650 भाई, बच्चे तो ये कुछ और बता रहे हैं, नहीं ये पुराना ही बता रहे हैं, पुराना ही बता रहे हैं, उनका रहने दो रहने दो। ये अरे यार 8, 2, 10, 11 सही बोल रहे हैं भाई, ये 8 तो यही हो गया, 2, 10 तो यही हो गया, 1 लाख ये भी है। देखो आपको ना कोरोना वायरस से अभी तक आप निकले नहीं हो, जमा घटा नहीं आ रहा, बताओ। कितना है दे दो, कैलकुलेटर दे दो मेरे को। अरे इसको निक तेरा 25,470 माइनस, भाई ये कैलकुलेटर ना थोड़ा हैंडीकैप है, इसको देख लो आप। एक लाख 57,180 चेक करिए, इनफैक्ट लॉस आ रहा है, 157,180 इसका टोटल ये वाला लेंगे अब हम, देख लीजिए आप, ये आ गया 14,00,000। ये लीजिए इसका भी आंसर डन, ये लो, ये कैलकुलेटर एग्जाम में धोखा दे सकता है आपको। देखो यहाँ लाइव वाले बच्चे ही बता रहे हैं कि दूसरी साइड ज्यादा है, आप ऑफलाइन वाले नहीं बता पा रहे हो। चलिए ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन था आसान ये, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें अकाउंट बनाना है। बुक में तो कंप्यूटर अकाउंट भी बना दिया होगा,
जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। बैंक अकाउंट बनाना जरूरी था क्योंकि इसके अंदर आइटम ज़्यादा है। डेटर अकाउंट बनाना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आइटम इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो अकाउंट बनाएंगे तो एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद अब देखा जाए तो स्टॉक का बैलेंस दे ही रखा था। कई बार ऐसा भी होगा कि स्टॉक का बैलेंस नहीं देगा, तो भैया स्टॉक का बैलेंस नहीं देगा तो एक स्टॉक अकाउंट भी बना लेंगे। यानी जिसका सीडी नहीं दे रखा उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कैच क्या था सर, एक तो ये जो यहाँ पे इसका सैलरी आया और दूसरा सारे खर्चे बैंक अकाउंट के अंदर चले गए, जबकि हमने सीखा था खर्चा यहाँ जाता है। लेकिन ऊपर स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपका खर्चा कौन पेड कर रहा है, ब्रांच। तो जब कभी भी ब्रांच पे करेगा तो अपने बैंक में से, रेमिटेंस में से क्या करेगा, माइनस करता जाएगा बैंक में से। और ये वाला खर्चा स्पेशली लास्ट में क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया हेड ऑफिस कह रहा है कि मैं पे करूंगा इसका खर्चा, आपको पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो 152 था मैंने वो यहाँ पे दिखा दिया और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता दीजिए, बताइए। तो पहला अगर हम देखें, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें क्या क्या सीख रहे थे हम, इसमें हम सीख क्या रहे थे सर, हम ब्रांच अकाउंट सीख रहे हैं। ये सब तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। थ्योरी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिपेंडेंट ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच, सारे थ्योरी आपके बुक में गिवन है, ठीक है ना। तो थ्योरी का 15 तारीख के बाद एक ही बार में सारे थ्योरी फटाफट से 1 से 1.5 घंटे में निपटा दूंगा मैं बताता जाऊंगा इस थ्योरी में ये लिखना है, याद करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी वो पूरी की पूरी, ठीक है। अब डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर डेटर सिस्टम है, डेटर सिस्टम के अंदर जो था, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर दो सिस्टम था, डेटर सिस्टम और स्टॉक डेटर। अब डेटर सिस्टम के अंदर भी दो है, एक है हमारा सिंपल जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस पे और एक होता है हमारा आईपी जिसे बोलते हैं इनवॉइस प्राइस पे। इसके अंदर भी दो है सर, एक होता है हमारा एट कॉस्ट प्राइस और एक है हमारा आईपी प्राइस। सर आईपी प्राइस अभी हमने किया ही नहीं है, आईपी प्राइस अभी हमने किया नहीं है, हमने सिर्फ कौन से वाला खत्म कर लिया। और मैं अगेन कहूंगा जो इसमें असाइनमेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आप करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर आंसर में काफी सारे एरर हैं, तो उस एरर को ध्यान में रख के ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप एक ही क्वेश्चन के पीछे निकाल दो कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा और क्यों नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल असाइनमेंट में एरर है। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप क्वेश्चन ये वाला करिए, जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाए ना 10 ईयर लीजिए और पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन 8-10 सवाल जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में उसी टाइप का पेपर पूछा जाएगा आपका, मैक्सिमम चांसेस यही रहता है। बड़ी सीधी सी बात है, हमने कॉन्सेप्ट समझा और पिछले 10 सालों के सवाल कर लिए जो DU में आए हुए हैं और उस सवाल को कर लेते हैं, तो वही रहता है। बात होगी सर पिछले 10 साल तो पेपर ही नहीं हुआ, हम तो पहली बार आए हैं। तो सर सिलेबस बदलने का मतलब क्या है, ये सर सिलेबस बदलना सिर्फ बच्चों के मन का भ्रम होता है। हम जैसे टीचर के लिए सिलेबस नहीं बताता, पिछले साल भी फाइनल अकाउंट पढ़ाया था, अब भी पढ़ा रहे हैं, तो जो फाइनल अकाउंट के पैटर्न चलते आ रहे हैं स्टार्टिंग से वैसे ही पैटर्न अब भी आएंगे। तो सिलेबस बदलने का मतलब या न्यू इंट्रोड्यूस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट वही रह जाते हैं, सब्जेक्ट जो है जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में जो चेंजेस करना होता है चैप्टर या तो डिलीट किया जा सकता है या चैप्टर को एक्स्ट्रा किया जा सकता है। तो जो चैप्टर कंटिन्यूसली में है उसका ट्रेंडिंग क्वेश्चन तो वही रहने वाला है ना, जो पिछला था हमारा। डेप्रिसिएशन पहले भी आता था अब भी आता था वैसा ही आएगा, फाइनल अकाउंट पहले जैसे आता था अब भी आएगा, ब्रांच जैसे पहले आता था अब भी आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कोविड के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन में उसकी प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं साफ साफ बोलूंगा। क्यों सर उसकी प्रैक्टिस क्यों ना करें, क्योंकि वो क्वेश्चन जो थे जो कोविड में आए हुए थे वो ओपन बुक था, ओपन बुक में एग्जामिनर का मेन मोटिव ये होता था इतना मुश्किल क्वेश्चन बना दो ना कि ये बच्चे नकल मार के ना लिख पाए, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी थे जो कि सीए लेवल के उन्होंने बना बना के डाले ओपन बुक एग्जामिनेशन में 2020 और 2021-22 का जो सेशन गया होगा या 2021 में, तो उसको छोड़कर बाकी आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि किसी दोस्त से मारा पिछली बार सर ओपन बुक का मिल गया क्वेश्चन, उसको करने बैठे पता चला कुछ हो ही नहीं रहा हमसे, हमें कुछ आता ही नहीं है, तो वो नहीं। वो उनका पेपर वाकई में क्या था, बहुत टफ आया था, तो उस पर नहीं जाना है आपको, सिर्फ रेगुलर नॉर्मल पेपर को सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, करेक्ट। चलिए सर, सर डेटर और बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में आएगा, बिल्कुल हाँ, डेटर और बैंक अकाउंट जो बनाया था वो क्या था हमारा, वर्किंग नोट का हिस्सा था। अब जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, ये सवाल नोट करना है भाई, नोट करना है।